हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीइंग अ बेस्ट टीचर। आज की इस लेक्चर में हम वैल्यूज का टॉपिक करेंगे। वैल्यूज का क्या मीनिंग होता है, वैल्यू के टाइप्स क्या है, वैल्यू के फीचर्स, वैल्यू के सोर्सेज एंड इम्पॉर्टेंस। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर आपको इस सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए इंग्लिश मीडियम या हिंदी मीडियम में, तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमारे सेल्स पर्सन को। उनका व्हाट्सएप लिंक मैंने आपको दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले वैल्यूज क्या होते हैं। वैल्यूज आर दैट इम्पॉर्टेंट टू पीपल, टेंड टू अफेक्ट द टाइप्स ऑफ डिसीजन दे मेक, हाउ दे परसीव देयर एनवायरमेंट एंड देयर एक्चुअल बिहेवियर्स। देखिए, यहाँ पे वैल्यूज एक इंसान की लाइफ में बहुत मैटर करते हैं। आप किस तरह के डिसीजंस लेते हैं, यानी कि सही गलत, कितने एथिकल कितने नहीं, कितने की औरों की भलाई के लिए कितने नहीं, तो ये सब देखिए इंसान की विचार पे, इंसान के थॉट प्रोसेस पे डिपेंड करता है। इंसान की अंदर उसकी वैल्यूज कैसी हैं, ठीक है, मतलब किस तरह का व्यक्तित्व है उस इंसान का और किस तरह की वैल्यूज उसके अंदर यहाँ पे बचपन से ढाली गई हैं। देखिए, वैल्यूज बचपन से क्यों ढाली जाती हैं, आपको पता है एक छोटा बच्चा हमेशा कोरे कागज की तरह होता है। आप उसको जो सिखाओगे वो सीखता चला जाएगा और उसके साथ वो लाइफ लॉन्ग रहता है। तो तभी यहाँ पे वैल्यूज का बचपन में बहुत प्रभाव पड़ता है और इसीलिए वैल्यू एजुकेशन सब्जेक्ट आप देखना, मॉरल एजुकेशन, वैल्यू एजुकेशन, ये सब आपको स्कूल में भी पढ़ाए जाते हैं। क्यों पढ़ाए जाते हैं, ताकि बच्चों के अंदर अच्छी हैबिट्स, अच्छे वैल्यूज डेवलप हों। ठीक है, तो एक इंसान अपने डिसीजंस कैसे लेता है, कि किस तरह के वैल्यूज उसके अंदर हैं, ठीक है, वो अपनी एनवायरनमेंट को उसी तरीके से देखता है, यानी कि कितना वो औरों के मतलब औरों के लिए भला चाहता है, कितना औरों के हित में भी सोचता है, यानी कि सामने वाले के पाँव के पाँव का जो जूता है उसमें अपना पाँव वो डाल के देखता है या नहीं, मतलब उसके दृष्टिकोण से देखता है या नहीं, उसके नजरिए से सोचता है या नहीं, वो डिपेंड करता है उसके अंदर किस तरह की वैल्यूज है। ठीक है, उसका बिहेवियर भी उसी तरह का होता है। देखिए, आपने बहुत लोग देखे होंगे, उनका बिहेवियर हमेशा रूड रहता है, अपने सामने किसी को कुछ समझते ही नहीं है। और कुछ लोग बिल्कुल डाउन टू अर्थ होते हैं, मतलब उनके पास कितना भी पैसा फेम कुछ भी आ जाए, वो हमेशा औरों की बातें समझते हैं, औरों के प्रति भी यहाँ पे देखिए चिंतन रखते हैं, औरों के प्रति भी उनके यहाँ पे मतलब सोचते हैं औरों के नजरिए से भी, और उनके लिए अच्छा दृष्टिकोण उनका होता है। तो वो डिपेंड करता है वैल्यूज किस तरीके के एक इंसान में है। ठीक है, आगे देखते हैं टू टाइप्स ऑफ वैल्यूज। देखिए, वैल्यूज दो तरह की है, टर्मिनल वैल्यू है और इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू है। टर्मिनल वैल्यूज होती है लीड्स एंड्स टू बी अचीव्ड लाइक कंफर्टेबल लाइफ, फैमिली सिक्योरिटी एटसेट्रा। और इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज होती है रिलेट टू द मीन्स ऑफ अचीविंग डिजायर्ड एंड्स लाइक एम्बिशन एटसेट्रा। देखिए, टर्मिनल वैल्यूज में आप यहाँ पे मैं बोल सकती हूँ ये थोड़ी से कम मेहनत वाली होती हैं, ये ज्यादा मेहनत वाली होती हैं। इसमें एक इंसान का पर्सपेक्टिव छोटा होता है, ठीक है, यहाँ पे और बड़ा है, छोटा यहाँ पे भी नहीं है, बट इंस्ट्रूमेंटल से टर्मिनल में छोटा है। समझते हैं एग्जाम्पल से, जैसे कि यहाँ पे है, आप अपने परिवार के सिक्योरिटी के बारे में सोच रहे हो, आप एक जॉब के लिए सोच रहे हो कि मुझे जॉब मिल जाए, मैं पैसे कमाने लग जाऊं, ठीक है, आप अपनी लाइफ को कंफर्टेबल बनाने के लिए सोच रहे हो कि एक छोटा सा घर ले लिया, उसमें रहने लग गए, ठीक है, आपने एक गाड़ी खरीद ली। तो ये होती है टर्मिनल वैल्यूज, जो एक टर्म के बाद, एक पीरियड के बाद टर्मिनेट हो जाएंगे, मतलब खत्म हो जाएंगे, एक टर्म के लिए है, एक पीरियड के लिए है, टर्मिनल है। ठीक है, हो सकता है वो 4-5 साल के लिए हो, 10-12 साल के लिए हो, जैसे कि इंसान ने घर लिया है कहीं पे, ठीक है, तो ये टर्मिनल वैल्यूज होती है, मतलब एक बार अचीव हो गई तो ठीक है, वो आपका हेडेक खत्म हो गया। अगला है यहाँ पे इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज, ये जो होती है देखिए ये लॉन्ग टर्म होती है। यहाँ पे एक इंसान वो करना चाहता है जिसके लिए वो है, जैसे कि उसका कोई एम्बिशन है, जैसे कि आप देखते हो कुछ लोगों ने अगर ठान ली होती है कि भाई मुझे जिंदगी में ये करना है, तो वो करके छोड़ते हैं,
चाहे उसके लिए और चीजें उनकी लेट होती रहे, और चीजें उनकी सेक्रीफाइस हो, बट वो इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज पे बिल्कुल अटके हुए, बिल्कुल मतलब अटके भी नहीं बोलूंगी मैं यहाँ पे, उनका इतना स्ट्रांग यहाँ पे वैल्यूज होती है कि भाई मुझे ये जिंदगी में करना है तो करना ही है, ठीक है। जैसे कि किसी का कोई एम्बिशन हो, जैसे किसी का एम्बिशन हो मुझे क्रिकेटर बनना है, तो वो बनेगा ही, ठीक है, वो पूरी अपनी मेहनत लगा देगा। अगला है यहाँ पे फीचर्स ऑफ वैल्यूज। देखिए फीचर्स, करेक्टरिस्टिक और नेचर तीनों चीजें सेम है, क्वेश्चन किसी भी तरीके से आए आप तीनों चीजें सेम लिखेंगे। पहला है यहाँ पे इट कंटेन अ जजमेंटल एलिमेंट। देखिए इसमें जजमेंट बिल्कुल है, जिस तरीके का वैल्यूज आपके अंदर होते हैं उस तरीके से आपको भी जज किया जाता है, सोसाइटी आपको भी जज करती है। जैसे कि एक यहाँ पे इंसान है जो बिल्कुल भी, जिसके अंदर मॉरल वैल्यूज या कुछ भी नहीं है, जो बिल्कुल भगवान में भी विश्वास नहीं रखता है, किसी से डरता भी नहीं है, खुद के लिए ही सेल्फिश है, ठीक है, तो उस इंसान को कैसे जज करेगी सोसाइटी कि ये तो बेकार है, ये सेल्फिश है, ये कभी हमारे काम नहीं आएगा, ठीक है, इसको जब काम पड़ेगा तो ये ही हमारे काम आएगा, ये हमारे पास आएगा, और जब हमें जरूरत पड़ेगी तो ये इंसान गायब हो जाएगा, ठीक है। और वहीं पे एक इंसान है जिसको लाइक जो आपसे अच्छे से बात करता है, हमेशा नमस्ते करेगा, अच्छे से आपके साथ घुलता मिलता है, और हमेशा देखिए जब भी आप उससे मदद मांगते हो तो वो हमेशा सर्वप्रथम सबसे पहले खड़ा रहता है, ठीक है। तो आप उन इंसानों को, दोनों को, इंसान जिसका पहले एग्जाम्पल दिया और दूसरे का, आप दोनों को अलग अलग तरह से जज करोगे, ठीक है। तो वैल्यूज के बेसिस पे जज किया जाता है, सही बात। अगला है यहाँ पे इट कैरीज इंडिविजुअल और ग्रुप आइडियाज रिगार्डिंग विच इज गुड और बैड, विच इज प्रेफरेबल। देखिए यहाँ पे इंडिविजुअल और ग्रुप के आइडियाज होते हैं रिगार्डिंग विच इज गुड, क्या चीज सही है, क्या चीज गलत है, विच इज प्रेफरेबल। जैसे कि देखिए आप इसमें एग्जाम्पल ले सकते हैं, मैंने अभी बच्चे का एग्जाम्पल दिया, बच्चे के अंदर माहौल का और फैमिली का बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। कैसे, आप देखना एक बच्चा जो स्लम एरिया में रहता है, अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, रिसर्च के मुताबिक ये बोला जाता है कि वहाँ के स्लम एरियाज के बच्चे ड्रग एब्यूज में, थेफ्ट एक्टिविटीज में ज़्यादा देखने को मिलते हैं, ठीक है। वहीं पे एक बच्चा जो अच्छी सोसाइटी में रह रहा है वो ना तो एब्यूजिव भाषा का यूज करेगा, वो थेफ्ट नहीं होगा, उसके थेफ्ट नेचर का नहीं होगा, अच्छे से बात करेगा, ज़्यादा अच्छे मॉरल वैल्यूज होंगे, ठीक है। तो ये एक ग्रुप का इफेक्ट पड़ता है कि आप किस तरीके के माहौल में रहते हो, ठीक है। अगला है वैल्यूज आर मोस्ट सेंट्रल टू द केयर ऑफ अ पर्सन, ठीक है। वैल्यूज जो है वो एक सेंटर पार्ट है, ठीक है, एंड ये एक इंसान के अंदर देखिए उसका बिहेवियर किस तरीके का होगा वो वैल्यूज पे डिपेंड करता है। जैसे मैंने ऊपर भी आपको एग्जांपल दिया, एक इंडिविजुअल जो कभी नमस्ते नहीं करता है, कभी जिस जो भगवान पे भी विश्वास नहीं करता है, जो कभी भी आपकी मदद आने पे, वक्त आने पे मदद नहीं करेगा, जो खुदगर्ज है, खुद के लिए और एक सेल्फिशनेस है उसके अंदर, तो वो इंसान यहाँ पे किसी को भी पसंद नहीं आएगा, उसका केयरिंग नेचर नहीं होगा, ठीक है। और दूसरा इंसान है वो, उसको इम्पोर्टेंस मिलेंगी, वो केयरिंग नेचर का है, वो सबसे बना के भी रखेगा और सब लोग भी उसको चाहेंगे, उसको पसंद करेंगे और उससे बना के रखना चाहेंगे, सही बात। अगला है वैल्यूज में भी स्पेसिफिक हो सकता है, वैल्यूज स्पेसिफिक हो, जैसे कि हो सकता है किसी के अंदर मॉरल वैल्यूज बहुत ज्यादा हो, ठीक है, जैसे कि भाई मुझे गलत काम लाइफ में कभी नहीं करना है तो नहीं करना है, चाहे मुझे कोई उस वक्त देख रहा हो या नहीं। जैसे कि अगर कोई इंसान अकेला भी रूम में है, अगर उसको पता है कि किसी और का बैग रखा है और मुझे उसको टच नहीं करना है, या किसी और का फोन रखा है मुझे उसे टच नहीं करना है, तो वो नहीं करेगा, ठीक है, चाहे उसको बेशक सही उस फोन का पासवर्ड पता हो, पर उसके अंदर वैल्यूज है कि नहीं ये गलत काम है, मुझे किसी और का फोन उसकी मतलब प्राइवेट लाइफ या प्राइवेसी को बिल्कुल उसके अंदर इंटरप्ट नहीं करना चाहिए, मैं उससे पूछ के ही ये चीज करूंगा, ये चीज गलत होगी बिना बताए करना, तो वहां पे वो स्पेसिफिक है अपनी वैल्यूज के प्रति, वो ये काम नहीं करेगा, ठीक है। अगला है वैल्यूज चेंज एज एक्सपीरियंस चेंजेस। देखिए वैल्यूज भी चेंज हो सकते हैं जैसे एक्सपीरियंस चेंज होते हैं, जैसे कि आप, जैसे मैंने अभी रिसर्चेस के मुताबिक एक आपको एग्जांपल दिया
सर्वेज वगैरह के अकॉर्डिंग बोला जाता है कि स्लम एरियाज के बच्चे जो है थेफ्ट एक्टिविटी में, ड्रग एब्यूज में, साथ में एब्यूजिव लैंग्वेज यूज करते हैं, इस तरह के होते हैं। बट उन बच्चों को अगर एनजीओ वगैरह में डाला जाता है, प्रॉपर काउंसलिंग दी जाती है, तो वो उन बच्चे चेंज भी होते हैं। देखिए, ये डिपेंड करता है किस तरह के माहौल में आप हो या लाइफ में एक्सपीरियंसेस कैसे मिल रहे हैं, तो वो चीजें चेंज भी हो सकती हैं। ठीक है, आगे है यहाँ पे सोर्सेज ऑफ वैल्यूज। देखिए, काफी सारे सोर्सेज हैं वैल्यूज के, तो चलिए देखते हैं। सो यहाँ पे है सबसे पहले फॉर यहाँ पे कुछ फैक्टर्स हैं। फर्स्ट इज फैमिली फैक्टर, नेक्स्ट इज सोशल फैक्टर, देन पर्सनल फैक्टर, कल्चरल फैक्टर, रिलीजियस फैक्टर्स एंड लाइफ एक्सपीरियंस। ठीक है, सबसे पहले डिस्कस करते हैं फैमिली फैक्टर्स को। देखिए, फैमिली फैक्टर्स वो फैक्टर्स होते हैं जो सबसे ज्यादा इम्पॉर्टेंट यहाँ पे है। आप कहेंगे किस प्रकार से इम्पॉर्टेंट है, मैंने आपको पहले भी बताया है कि एक बच्चा कोरे कागज की तरह होता है। आप उसको जिस सांचे में ढालोगे, जिस तरीके के माहौल में रखोगे, जो सिखाओगे वो सीखता जाएगा। जैसे कि एक ब्लैंक पेपर, कोरे कागज पे आप पेन से कुछ भी लिख सकते हो, राइट? उसी तरह से एक बच्चा बिल्कुल ब्लैंक होता है। आप उसमें जिस तरह की वैल्यूज डालोगे, जिस तरह की उसकी पेरेंटिंग होगी, जिस तरह की उसकी फैमिली होगी, जिस तरीके का बिहेवियर उसके आसपास होता होगा, वो सीखता चला जाएगा। आपने अक्सर देखा होगा कि ये चीज आप नोट भी कर सकते हैं, अपने इर्द गिर्द देखिए, अपने नेबरहुड में उनके बच्चे उसी तरीके के होंगे जिस तरीके के पेरेंट्स होते हैं। ठीक है, अगला है यहाँ पे सोशल फैक्टर्स। देखिए, जिस तरह के समाज में रहते हैं, जिस तरह की सोसाइटी में रहते हैं, उस तरीके के वैल्यूज भी स्टूडेंट्स के, बच्चों के अंदर बेसिकली आ जाते हैं। कैसे? यहाँ पे देखिए, समाज में लाइक आपने एक गांव का बच्चा देखिए और एक शहर का बच्चा देखिए, आपको पता चल जाएगा कि सोशल फैक्टर्स कैसे वैल्यूज को यहाँ पे डिपेंड होता है। देखिए, आप कभी भी देखना, एक बच्चा या एक की नहीं, हम नॉर्मली कैटेगरी में डिवाइड करते हैं इसको, गांव के बच्चे जो होते हैं आप वहां पे देखोगे, उनको कोई भी रास्ते में मिलता है, उनके अंदर राम राम करने की आदत, नमस्ते करने की आदत, राधे श्याम करने की आदत, ठीक है, सिर्फ धर्म या तो इस किसी और तरीके से भी आप इसको ले सकते हैं। क्रिश्चियन बच्चा है तो वो हेलो करेगा, ठीक है, अगर वहीं पे मुस्लिम बच्चा है तो वो सलाम वालेकुम बोलेगा, ठीक है, तो जो भी देखिए यहाँ पे बोला जाता है, तो मतलब एक दूसरे को ग्रीट करने की आदत सबकी होती है। ठीक है, तो वो देखा जाता है कि गांव के बच्चे में ज्यादा होती है और शहर के बच्चों में थोड़ी कम मिलती है। ठीक है, ऐसा नहीं है नहीं होती है, या कुछ बच्चों में तो शहर में होती ही नहीं है, तो ये डिपेंड करता है किस तरीके की सोसाइटी में बच्चा रहता है। यहाँ पे एक एग्जांपल आप और ले सकते हैं, वही वाला जो मैंने आपको पहले दिया, स्लम एरिया का एक बच्चा और एक वेल सेटल्ड सोसाइटी का बच्चा। ठीक है, अगला है यहाँ पे पर्सनल फैक्टर्स। देखिए, पर्सनल फैक्टर्स का भी बहुत इफेक्ट पड़ता है। देखिए, कई बार आप खुद से भी चीजें पहचान लेते हैं, क्या आपके आसपास गलत हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, या अपने एक्सपीरियंस से। फॉर एग्जाम्पल, आपको पता चला कि मुझे यहाँ पे कभी भी लाइक औरों का बुरा करके कोई भी अपना फायदा नहीं करना है, ये आपकी वैल्यू है। पर वहीं पे आप देखते रहे हो कि बाकी सब लोग आपके आइडियाज चोरी कर रहे हैं और आपके ही आपसे आगे बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप सीक्रेटिव रखना शुरू कर दोगे चीजों को, क्योंकि वहां पे आपको पता चलेगा कि मेरे को सबको बताने से मेरा नुकसान हो रहा है। बल्कि आपका नेचर ऐसा था नहीं, आपका नेचर था आप सबको बातें बता देते थे, आपके जो प्लान्स हैं वो अपने ग्रुप में या जॉब में, वर्क प्लेस में सबके साथ डिस्कस करते थे। बट आपको अब एक्सपीरियंस मिला कि मेरे आइडियाज तो भाई बाकी सब चोरी कर लेते हैं और फिर उनको अपने नाम से आगे बढ़ा देते हैं, और मेरा आइडिया जो है वो ओरिजिनली मेरा नहीं रह जाता है। तो आप क्या करोगे, इवेंचुअली आप अपनी ये वाली वैल्यूज छोड़ोगे और आप सीक्रेटिव बन जाओगे, आप अपनी बातें छुपाने लग जाओगे। सही बात। अगला है यहाँ पे कल्चरल फैक्टर्स। देखिए, जो फैक्टर्स जिस तरह के कल्चर पे आप रहते हैं, ठीक है, अब देखिए कल्चर, आप एक यहाँ पे एग्जांपल लीजिए एक इंडियन बच्चे का और एक वेस्टर्न बच्चे का।
ठीक है, एक इंडियन बच्चे के कल्चर देख लीजिए, हमारी सभ्यता, हमारा कल्चर इंडिया के अंदर कितना अच्छा है, हमारे बच्चे यहाँ पे कितना ग्रीट करते हैं, कितने सोशलाइज हैं यहाँ पे, देखिए उनके अंदर अच्छी अच्छी हैबिट्स भी होती हैं, अच्छे वैल्यूज़ हैं, स्पिरिचुअल भी होते हैं, ठीक है। वहीं पे वेस्ट के आप बच्चे देखोगे वो इतने स्पिरिचुअल नहीं होते हैं, ठीक है, वो ज़्यादा कल्चर में बिलीव नहीं करते हैं, हमारे बच्चे कल्चर में बिलीव करते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ के बच्चे इंडिया के अंदर अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं लाइफ लॉन्ग, ठीक है। और वहीं पे आप देखोगे तो वेस्ट में क्या होता है कि बच्चे बड़े हुए तो वो अपने आप अर्न करते हैं, अपनी एजुकेशन के लिए अर्न करते हैं और फिर पेरेंट्स के साथ नहीं रहते हैं, वहाँ पे ये ट्रेंड नहीं है कि बच्चा पेरेंट्स के साथ रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे हमारी जो फैमिलीज होती हैं वो जॉइंट होती हैं, न्यूक्लियर बहुत कम देखने को मिलती हैं, और न्यूक्लियर में भी पेरेंट्स और बच्चे साथ में रहते हैं, ठीक है। तो कल्चर का भी प्रभाव पड़ता है, उसी तरीके की वैल्यूज़ आती है, उस तरीके का ही सोशलाइजेशन भी होता है। अगला है रिलीजियस फैक्टर्स। देखिए रिलीजियस फैक्टर्स होते हैं लाइक कितना आप रिलीजन में विश्वास रखते हैं, कितना नहीं। देखिए स्कूल में मॉर्निंग प्रेयर्स क्यों कराई जाती हैं, ना ही केवल मॉर्निंग बल्कि लंच से पहले भी, खाना खाने से पहले भी प्रेयर्स कराई जाती हैं, ताकि बच्चे के अंदर एक रिलीजियस वैल्यूज डेवलप हों, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, आप कोई भी स्कूल देख लीजिए, हर एक स्कूल में आज के टाइम में जो है प्रेयर्स कराई जाती है, चाहे वो इंग्लिश में हो हिंदी में हो, पर प्रेयर्स जरूर होती हैं। तो क्यों होती हैं, ताकि बच्चों के अंदर रिलीजियस वैल्यूज डेवलप हो, सही बात। अगला है यहाँ पे लाइफ एक्सपीरियंस। देखिए एक्सपीरियंस से तो ना जाने इंसान क्या क्या सीखता है, तो यहाँ पे एक्सपीरियंस एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और एक्सपीरियंस से सच में बहुत सारा, मतलब मेजर सोर्स तो यही है, मेजर फैक्टर यही है जिसके थ्रू वैल्यूज एक इंसान में डेवलप होती हैं। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया, एक इंसान जो सबसे घुल मिल जाता था, सबसे अपनी बात शेयर कर लेता था, और वहीं पे उसको पता चला कि भाई मेरे आइडियाज चोरी हो रहे हैं मेरी वर्क प्लेस में, सब उसको अपने नाम से बॉस को बता दे रहे हैं, तो वो क्या करेगा, उसने अपना नेचर चेंज किया, अपने लाइफ एक्सपीरियंस से अपनी वैल्यूज में चेंजेस लाए, अब वो सीक्रेटिव बन गया, अपने मतलब अपनी बातें अपने तक रखता है, ठीक है, ठीक है। आगे देखेंगे यहाँ पे सिग्निफिकेंस और इम्पोर्टेंस ऑफ वैल्यूज, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या क्या इम्पोर्टेंस है, फर्स्ट है वैल्यूज ले द फाउंडेशन फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ एटीट्यूड्स एंड मोटिवेशन ऑफ द पीपल, कि किस तरह का एक इंसान का व्यक्तित्व है, उसका एटीट्यूड है, उसकी प्रेरणा है, मोटिवेशन है, ये सब वैल्यू से पता चलता है और सेट भी होते हैं, ठीक है। वैल्यूज सिस्टम इन्फ्लुएंस द परसेप्शन ऑफ द इंडिविजुअल, उसका नजरिया भी वैल्यूज पे ही डिपेंड करता है कि किस इंसान का किस तरीके का नजरिया होगा, ठीक है। ऑल्सो इन्फ्लुएंस द यहाँ पे है मैनेजर्स परसेप्शन ऑफ द डिफरेंट सिचुएशन। देखिए मैनेजर इन द सेंस कुछ भी, एक इंसान लगा लीजिए, वो किसी भी प्लेस पे है, किसी भी लाइक वो कहीं पे भी लाइक आप काम करते हो, वहां का जो एनवायरनमेंट है वो डिपेंड करता है वहां की अथॉरिटी पे, ठीक है। तो अथॉरिटी का उसी तरह का एक इंसान का नेचर बन जाएगा, वो किस तरह के सिचुएशन में किस तरीके से डील करता है, साथ में कैसे डिसीजन एक इंसान लेता है, वो भी डिपेंड करता है उसके वैल्यूज पे। वैल्यूज एटीट्यूड को और बिहेवियर को मॉडिफाई करते हैं और उसी से ही यहाँ पे बनते भी हैं। जैसे कि बिहेवियर आप ले सकते हो, वही ऑफिस वाला एग्जांपल, एक इंडिविजुअल जो सबसे अपनी बातें शेयर करता था तो उसने सीक्रेटिव होना शुरू कर दिया, उसके वैल्यूज में यहाँ पे चेंजेस आया, क्यों, क्योंकि औरों ने उसके साथ गलत किया। वैल्यूज इन्फ्लुएंस द बिहेवियर व्हाट ऑट टू बी एंड व्हाट ऑट नॉट टू बी, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपको वैल्यूज से भी ये भी पता चलता है मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, किस तरीके का बिहेवियर होना चाहिए, किस तरीके का नहीं। आपने कभी एक छोटे बच्चे को देखा होगा, अगर आप उसको मार्केट लेके जाते हो और उसको टॉय शॉप दिख जाती है, छोटा बच्चा है तो वो रोने लग जाता है, नहीं मुझे चीज चाहिए तो नहीं चाहिए, क्योंकि वो जिद्दी होता है, उसके अंदर वैल्यूज डेवलपमेंट का टाइम चल रहा होता है, उसके अंदर डेवलप नहीं हुई होती है। फिर जैसे ही वो लाइक बड़ा होता जाता है तो वहां पे वो बच्चा क्या होता है, उसको ये पता चलता है कि मार्केट में क्राई बिहेवियर सही नहीं है, ये अच्छे वैल्यूज नहीं है, और फिर उसको वो जो होता है क्राई बिहेवियर करना छोड़ देता है। वो वेट करेगा, या तो वो अच्छे मार्क्स लाएगा, वेट करेगा कि मेरे पेरेंट्स मुझे वो टॉय दिलाए, या वो अपने बर्थडे का या किसी स्पेशल इवेंट का वेट करेगा, ठीक है।
अगला है इट कंटेन्स इंटरप्रिटेशन ऑफ राइट और रॉन्ग. देखिए वैल्यूज हमें बताते हैं क्या चीज सही है क्या गलत है. जैसे कि अगर आपके अंदर इतने स्ट्रांग वैल्यूज हैं कि आपको पता है मुझे किसी के साथ गलत नहीं करना, आपको ये लगेगा हमेशा कि ऊपर वाला यानी कि गॉड इज वॉचिंग मी, तो आप किसी के साथ गलत नहीं करोगे चाहे सामने वाले को पता है या नहीं पता है. ठीक है, तो ये राइट और रॉन्ग भी आपको बताता है. तो ये हमारा टॉपिक था वैल्यूज का. आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा एंड दीज आर द नोट्स. इसी तरीके से आप अपने एग्जाम में लिख सकते हैं. इसके अलावा इस टॉपिक से रिलेटेड अगर और किसी टॉपिक पे सब टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए हो, लेक्चर चाहिए हो, तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा. मैं डेफिनेटली ट्राई करूंगी कि उस पर भी आपको लेक्चर प्रोवाइड जल्द से जल्द करा दूं. बाकी इस सब्जेक्ट के नोट्स के लिए आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं सेल्स पर्सन को. एंड दैट्स इट फॉर दिस.